हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज की एक और बड़ी खबर जो रहेगा दिन भर एबीपी न्यूज का एजेंडा, सुदीक्षा भाटी केस। अब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है और सबसे ज्यादा तो हैरानी की बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें छेड़छाड़ का जिक्र ही नहीं हुआ है, जबकि परिवार कल से साफ साफ कह रहा है कि मामला छेड़छाड़ का है। एक होनहार बिटिया की जान मनचलों की वजह से चली गई। सुदीक्षा भाटी, जिसने अपनी पढ़ाई के दम पर 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप पाई, अमेरिका के नामी कॉलेज में पढ़ने गई, लेकिन जब वापस अपने घर आई तो उसके मन का डर सच हो गया। छेड़खानी की वारदात में उसकी जान चली गई। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें बुलेट सवार 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 304 ए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170, 184 और 192 के तहत केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 304 ए यानी लापरवाही से हुई मौत, इसमें अधिकतम 2 साल की सजा है। आईपीसी की धारा 279 का मतलब है सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना जिससे किसी की जान खतरे में आ जाए, इसमें अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का मतलब है गलत ओवरटेकिंग, सजा सिर्फ जुर्माना। धारा 184 का मतलब है तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना, इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 192 यानी बिना परमिट गाड़ी चलाना, इसमें अधिकतम 3 महीने की सजा है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पे क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती दीक्षा सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें क्राइम ब्रांच के 2 निरीक्षकों को अलग से अटैच किया गया है। एफआईआर में सुदीक्षा के परिवार की तरफ से शिकायत की गई है कि जिस बाइक पर सुदीक्षा अपने चाचा और भाई के साथ जा रही थी उसे 2 बार ओवरटेक किया गया, जानबूझकर आगे ब्रेक लगाया गया जिससे दुर्घटना घटी। वो लड़के थे बुलेट पे, वो 2-2.5 किलोमीटर से इनको परेशान कर रहे थे, कभी आगे कर लेते कभी पीछे कर लेते। तीसरी चौथी दफा में उन्होंने कट मार के ब्रेक मारा, इन्होंने पीछे ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही बच्ची गिरी है, बच्ची गिरते ही सड़क में सर लगा, ये लेफ्ट साइड में गिरे हैं। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को पत्र लिखकर सही से जांच करने को कहा है। संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट। हमारे साथ इस मसले पर अभिषेक जुड़ गए हैं सीधे सुदीक्षा के घर से, गांव से। अभिषेक, बड़ा सवाल यह है कि इतनी शिकायतें दी, हर घर का शख्स कह रहा है कि वहां छेड़छाड़ की घटना हुई थी, उसके बावजूद पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराएं क्यों नहीं लगाई एफआईआर? जीविका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस जो है छेड़छाड़ वाली थ्योरी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। आज सुबह भी हमारी बुलंदशहर के एसएसपी साहब से बात हुई है तो उनका ये कहना था जी हमारे पास जो तहरीर आई है उसमें कहीं छेड़छाड़ जैसी बात नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि सर उसमें वो पीछा करने वाली बात कह रहे हैं जो आईपीसी के सेक्शन 354D में कवर होता है, जो सीधे सीधे स्टॉकिंग से संबंधित धारा है, आपने वो धारा क्यों नहीं इसमें जोड़ी है? तो उनका ये कहना था कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं हमारे सामने आई है। जी, तो उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं अभिषेक? क्या आपके आसपास लोग हैं तो उनसे पूछिए परिवार के लोगों से, क्योंकि कल ही बीजेपी नेता की हत्या पर पुलिस कप्तान बदल दिए जाते हैं, लेकिन एक परिवार कह रहा है कि छेड़छाड़ हुई है बच्ची के साथ, वहां धारा लगाने को तैयार नहीं है पुलिस। पूछिए परिवार वालों से। जी, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सुदीक्षा की माँ और मामा जी हैं, उनसे बात करते हैं। जो पुलिस है वो ये कह रही है कि आप लोगों ने शिकायत में इस बात का जिक्र नहीं करा है कि कोई पीछा कर रहा था, सिर्फ ये बात बोली है कि एक बुलेट बाइक पे 2-3 लोग 2-3 बार जो है आगे पीछे आए हैं, तो इसलिए उन्होंने छेड़छाड़ संबंधित कोई धारा नहीं लगाई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? उसमें लिखी है एफआईआर में, शिकायत पत्र में है वो नहीं जो आपने दिया, लेकिन पुलिस ने उसमें एफआईआर में कोई धारा ऐड नहीं करी है, उस पे क्या कहना है? पुलिस ने तो अब तक कुछ नहीं किया था, 3 दिन हो गया आज, अब तक कुछ नहीं किया था उसने, तो अब उनका क्या है? और मांग क्या है? अब उनको पकड़े, उनको इन्वेस्टिगेशन की जाए, तुरंत गिरफ्तारी हो, न्याय मिले बच्ची को। और ये सुदीक्षा की माँ भी है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपसे पुलिस के बारे में क्या कोई बात हुई है पुलिस से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरे से।
तो कुमकुम, ये आपने सुना जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने तो अभी तक भी उनकी कोई बात नहीं सुनी है और अब जो वो छेड़छाड़ वाली बात से मना कर रहे हैं, तो उसमें ये लोग क्या कह सकते हैं? इनका कहना है कि हमें बस यही न्याय चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल है, जो पीछा करने वाले लोग, अपडेट आप हमें उपलब्ध करवाते रहेंगे। सीधे अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे सुदीक्षा के गांव से, हमारी खबर इस नजर पर बनी हुई है और जब तक सुदीक्षा को न्याय नहीं मिलता एबीपी न्यूज खबर को फॉलो करता रहेगा।